आज हम लोग गोश्त का पुलाव बनाएंगे, अखनी जैसा बनाएंगे, पर हम लोग वो अखनी पुलाव में चने की दाल नहीं डालेंगे, उसके बदले हम लोग वटाना डालेंगे, वटाना पुलाव बनाएंगे गोश्त का। तो ये गोश्त को मैंने गला चुकी हूँ और अभी ये गोश्त है, ये चावल है। 1 किलो चावल लेंगे तो 1 किलो गोश्त लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैंने वैसा ली हूँ गोश्त और चावल। और यहाँ पे देखिए पुलाव में प्याज इतनी ज़्यादा नहीं लगती, कम लगती है, प्याज काट ली हूँ। तो इससे क्या करूँगी, थोड़ी सी प्याज अलग हटा दूँगी और मैं प्याज कचुम्बर के लिए बना लूँगी, पर इससे इतनी दो प्याज आप लोग ले लेंगे, दो प्याज कटिंग करके। ये मैंने बटाटे ली हूँ, पुलाव में बटाटे बहुत अच्छे लगते हैं, तो चार पाँच बटाटे ली हूँ यहाँ पर। और ये बटाना है, ये एक टमाटर है, ये कस्तूरी मेथी है और ये पुलाव मसाला है, पूरा पैकेट नहीं है, हाफ पैकेट है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सब मसाला डाल रहे थे और हमको तेल लगेगा और दही। ये पैकेट रखी, पर ये पूरा नहीं डालूंगी मैं दही, आपको बता दूंगी साथ। ये मैंने मिर्ची और लहसुन पीसी हूँ यहाँ पे, ये अदरक लहसुन थोड़ा है इसमें, उसका मसाला है पीसा हुआ, और ये नमक है, ये धनिया पाउडर है, और ये गरम मसाला है, ये अक्खा गरम मसाला है। ये आप लोग देख रहे हैं, हम लोग को ये इंग्रेडिएंट लगेगा, और अगर नमक कम ज़्यादा होता है, और तेल लगेगा, हम लोग को तेल डालना पड़ता है, नमक कम ज़्यादा लगेगा, वो नमक अगर हमको थोड़ा ज़्यादा लगता है तो हम लोग देख लेंगे। तो इतना सामान हम लोग को पुलाव में लगेगा, ये इंग्रेडिएंट। ये हम लोग को इतना तेल लेना है, और तेल में हम लोग को गरम मसाला, ये मैंने डाल दिया तेल में, जीरा, तेज़पत्ता, लौंग, दो इलायची, थोड़ा अच्छा गरम मसाला डाली हूँ। अभी ऐसा तरतर कर रहा है, अभी हम लोग इसमें प्याज डाल देंगे, बस ज़्यादा प्याज हमको डालना नहीं है। ये अभी प्याज थोड़ी लाल हो जाएगी, लाल करेंगे हम लोग इसको थोड़ा हल्का। कभी भी प्याज लाल करते टाइम आपको सौटे करते रहना है, वरना फिर एक बाजू होगी सब पूरी तरह से नहीं होगी। अब ये प्याज हमारी लाल हो रही है, आप देख सकते हैं लाल हुई है प्याज। इसमें मैं गोश्त डाल दूंगी, थोड़ी हड्डी है उसको आप बाद में डालेंगे भूनने के टाइम पे। अभी हम लोग को सब कुछ इसके अंदर डाल देना है, जो भी मसाला, नमक और ये टमाटो, काटा पटाना। खाली मैंने उसमें
पुलाव का मसाला नहीं डाली हूँ, क्योंकि वो हम लोग बाद में दम पे डालने के टाइम पे थोड़ा मिक्स करेंगे और दम पे, या तो थोड़ा पानी रहेगा ना उस टाइम पे पूरा डालेंगे लास्ट में, भून लास्ट में थोड़ा भूनने का रहेगा जब डालेंगे हम लोग। ये जरा पिसा हुआ थोड़ा लहसुन अदरक, लहसुन और मिर्ची ये डालिए, अब इसको हम लोग अच्छे से भूनेंगे। मसाले को अभी भी डाल सकते हैं हम लोग वो मसाला, लेकिन अभी पहले तो आप दही डालेंगे इसके अंदर। तो ये थोड़ा अभी हम लोग गोश्त दिख रहा है तो उसमें अच्छे से गल गया है मटन। अब ये ऑयल छोड़ने लगा है तब इसमें हम लोग दही डालेंगे। ये मैंने दही डाल दी, अच्छे से दही को मिक्स करेंगे पहले। बाद में नहीं डालती, अभी डाल देती हूँ चलेगा। अभी देखो तेल कैसा है, तरी इसका निकल रही है, तेल छोड़ रहा है। ये अभी मसाला और इसमें थोड़ा सा मसाला भी था, मसाले में रहता ही है वो पुलाव मसाले में। ये देख रहे हैं ये हमारा भून गया है, वैसे इतना टाइम लगा, फटाफट हो गया भूनना। मैंने फास्ट गैस पे रखी हूँ तो वो अच्छे से हो गया। अब मैं इसमें कस्तूरी मेथी थोड़ा क्रश कर दी हूँ। मैंने अच्छा अक्खी काली मिरी डाली हूँ, और अक्खी काली मिरी अगर नहीं पाउडर भी डाल सकते हम लोग। अभी मेरे पास काली मिरी पाउडर था पर मैंने अक्खी काली मिरी डाली हूँ तो मैं पाउडर नहीं डाल रही हूँ, और वो भी डाल दूँगी तो थोड़ा तेज़ हो जाएगा। तो हमारे घर में थोड़ा फिक्का खाते हैं, जिसको तेज़ खाते वो लोग और काली मिरी डालेंगे, और ये एकदम बनेगा ऐसा कि सब उंगली चाट चाट के खाएंगे, इतना अच्छा पुलाव बनेगा। मटन का पुलाव ज़्यादा टेस्टी होता है सबसे, चिकन से सबसे टेस्टी मटन का पुलाव रहता है। और अभी हम लोग दिख रहा है आपको तरी छूट गया है तो तेल अलग हो गया है। अभी मैं ये जो पानी है ना गोश्त का इसको मैं निकाल लूँगी, इसी में डाल दूँगी और ये डाल दी थी। ये थोड़ा सा ग्रेवी है, अभी मैं मेरी कैप के लिए रख रही हूँ। अभी ये हो गया, अभी मैंने चावल को भिगा के रखी थी धो के, तो अभी चावल को मैं पानी निकाल लूँगी। और हम लोग चाहे तो इसमें पानी को बॉईल करने के बाद भी चावल डाल सकते, लेकिन आप लोग चाहे तो भून जाएगा मसाला तो डायरेक्ट भी डाल सकते। वो बोलते हैं ना पहले डालना बाद में डालना, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से बन जाता है। ऐसे भी पानी आपको सही डालना, जैसे आपके चावल है उस हिसाब से आपको पानी डालना है। जैसे पुलाव और बिरयानी बनाते हैं तो थोड़ा पानी थोड़ा कम ही रहना चाहिए, अगर ज़्यादा डालेंगे तो नरम हो जाएगा, और आदमी लोग को ज़्यादा करके एकदम नरम चिकदे चावल नहीं पसंद आते। हल्का नरम राइस गल जाना चाहिए पर, लेकिन अभी मैंने इसमें टुकड़ा बासमती ली हूँ,
इसमें मैंने गोश्त का पानी डाली थी, अभी मैं इसमें पानी डालूंगी अपने हिसाब से। पानी ज़रा देख के डालना। मैंने आपको अंदाज़ा बताई थी, एक गिलास चावल में दो गिलास पानी डालने का रहता है हम लोग को, तो एकदम चावल सही बनते हैं। लेकिन थोड़ा नया और चूने का वो रहता है, नए चावल में थोड़ा कम पानी डालना, और पुलाव और उसमें उससे थोड़ा कम पानी डालने का, जैसा समझो पौना गिलास ले लेना, या तो चार उंगली का ये भी ले सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा पानी डालूंगी बस। अभी हम लोग इसको पकने देंगे, जब पक जाएगा मैं आपको बताती हूँ, जोश आएगा ना दम पे रखने करेगा तो मैं आपको बताती हूँ। अभी ये देखो ये तेल है, तरी छूटा है, अभी हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे ऐसे चारों तरफ से, और सबको बराबर ऐसे कर देंगे और इसको दम पे रख देंगे। प्याज प्याज काटी हुई प्लेट डालिए, उसको दम पे मैं रख दूँगी। ये हमारा पुलाव रेडी है, दम पे हो गया है, अभी निकाल के बताती हूँ आपको। ये हम लोग का पुलाव देखिए रेडी हो गया है, और ये मैंने कचुम्बर बनाई हूँ, इसमें सिर्फ कांदा और ना टमाटो नमक, मिर्ची नहीं डाली हूँ क्योंकि मिर्ची डालूँगी तो मेरे हस्बैंड खाते नहीं है मिर्ची, और मेरी बेटी भी नहीं खाती, तो इसके लिए इसमें मिर्ची नहीं है, और ये पुलाव रेडी है।